तो टीम इंडिया का साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज खत्म हो चुका है, जो फिफ्थ मैच बारिश के कारण रद्द होने से सीरीज 2-2 के बराबरी पर रह गया। अब टीम इंडिया का आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों का टी20 सीरीज होने वाला है। आयरलैंड के खिलाफ भी वही स्क्वाड है जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ था, सिर्फ 2 खिलाड़ियों का एंट्री हुआ है, जो है राहुल त्रिपाठी और संजू सैमसन। इन दोनों को ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर के बदले शामिल किया गया है, क्योंकि वे दोनों इंग्लैंड के साथ होने वाली टेस्ट टीम का हिस्सा होंगे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ बहुत खिलाड़ियों को मौका ही नहीं मिला, क्योंकि सारे मैचों में सेम प्लेइंग 11 खिलाया गया। उन्हीं 11 प्लेयर्स पर ही भरोसा दिखाया गया। उनमें से कुछ प्लेयर्स उम्मीदों पर खड़े उतरे, पर कुछ प्लेयर्स उम्मीदों पर पानी फेर दिए। उनमें सबसे पहले हैं ऋतुराज गायकवाड़। उस एक मैच को अगर छोड़ दे जिसमें उन्होंने 50 मारा था, उसके अलावे पूरे सीरीज में कुछ खास नहीं कर पाया। उसके बाद श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत तो स्क्वाड में है ही नहीं, इसलिए आयरलैंड के खिलाफ प्लेइंग 11 में कुछ नया कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या हो सकता है आयरलैंड के खिलाफ टीम इंडिया का प्लेइंग 11। तो यहाँ सबसे बड़ा बदलाव जो है वो ओपनिंग प्लेयर में ही देखने को मिल सकता है, जिसमें ईशान किशन तो कन्फर्म है, पर उनका साथ ऋतुराज गायकवाड़ नहीं संजू सैमसन देते हुए दिखाई दे सकते हैं। उसके बाद वन डाउन पर राहुल त्रिपाठी होंगे और फोर्थ नंबर पर होंगे सूर्य कुमार यादव। उसके बाद नंबर 5 पर होंगे कैप्टन हार्दिक पांड्या और नंबर 6 पर होंगे दिनेश कार्तिक। उसके बाद नंबर 7 पर अक्षर पटेल, नंबर 8 पर हर्षल पटेल, नंबर 9 पर भुवनेश्वर कुमार, नंबर 10 पर आवेश खान और नंबर 11 पर युजवेंद्र चहल। आयरलैंड के खिलाफ भी उमरान मलिक और अर्शदीप सिंह को मौका नहीं मिल सकता है, क्योंकि आवेश खान ने चौथे मैच में शानदार गेंदबाजी करी थी, और मुझे लग रहा है टीम इंडिया वर्ल्ड कप के लिए फोर्थ फास्ट बॉलिंग ऑप्शन ढूंढ रही है, जो आवेश खान में दिखाई दे रहा है। इनके अलावा टी20 वर्ल्ड कप के लिए 3 पेसर बुमराह, भुवी और हर्षल तो कन्फर्म है।